वैसे तो आपातकाल में इसके इतिहास में काला अध्याय माना जाता है, लेकिन इसी आपातकाल के दौरान एक ऐसे नेता का प्रादुर्भाव हुआ जो आज मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। आपातकाल के दौर में जिस वक्त शासनिक मशीनरी जनता पर कहर ढा रही थी, तब गांधी परिवार का करीबी एक युवा नेता अपनी राजनीतिक जड़ों को जमाने का काम कर रहा था। उसने अपने कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में से एक को चुना और जनता ने उसे इतना पसंद किया कि उस नेता के नाम पर आज सबसे ज्यादा बार लोकसभा के भीतर जीत कर जाने का रिकॉर्ड बन गया है। नमस्कार, आज एक किस्सा में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर और वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ की। इंदिरा गांधी के जमाने में कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। करीबी आज ऐसी है कि वो सोनिया गांधी तक पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है। करीबी आज भी है, जो इंदिरा गांधी के जमाने में थी वही सोनिया गांधी के जमाने में भी करीबी बनी हुई है। इतनी करीबी कि एक वक्त कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में बिना कमलनाथ की मंजूरी के कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हालांकि आज परिस्थितियां कुछ और है, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी का इतिहास कुछ ऐसी ही दास्तां बयां करता है। अक्सर चिन्नम चलाने का शौक रखने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश में उस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं जहां काफी तादाद में जंगल, नदियां, बिजली की पैदाइश के साधन हैं, पर फिर भी यह इलाका पिछड़ा कहलाता है। विकास के नाम पर यहां से अभी तक 3 हाईवे और 1 रेल लाइन गुजर चुके हैं, लेकिन कई अस्पताल ऐसे हैं जहां न डॉक्टर है, न नर्स, न दवाई। लोगों को अब भी दूसरे राज्य महाराष्ट्र के नागपुर शहर जाना पड़ता है दवाइयों के लिए, इलाज के लिए। जिले में शिक्षकों के 800 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, सड़कें अधूरी हैं जो बन भी नहीं पाई, पुल पुलिया नदारद हैं। राज्य सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, दावे बहुत किए, लेकिन छिंदवाड़ा वाले कहते हैं कि हमें उनका फायदा नहीं मिला है। लेकिन ऐसा क्या था जिसके चलते कानपुर में जन्मे और पश्चिम बंगाल में पढ़े लिखे कमलनाथ मध्य प्रदेश में आकर बस जाते हैं और अब छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बना लेते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है धून स्कूल के दो स्टूडेंट की दोस्ती से। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले संजय गांधी उन दिनों धून स्कूल में पढ़ते थे। यही पर उनकी दोस्ती हुई पश्चिम बंगाल से आए कमलनाथ से। धून स्कूल में शुरू हुई ये दोस्ती धीरे धीरे कमलनाथ को संजय गांधी के परिवार तक ले गई, संजय गांधी से इंदिरा गांधी तक पहुंची। धून स्कूल से पढ़ाई के बाद कमलनाथ कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से ग्रेजुएशन करने लौट आए, लेकिन दोस्त से दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। अपने बिजनेस को बढ़ाने की इच्छा लेकर कमलनाथ वापस संजय गांधी के पास आए और इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने कमलनाथ को वाकई कमलनाथ बना दिया। दरअसल आपातकाल से पहले तक कमलनाथ की कंपनी ईएमसी लिमिटेड जमकर घाटे में चल रही थी। कहा जाता है कि कंपनी को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन आपातकाल के बाद कंपनी अचानक से मुनाफे में आ गई। आपातकाल में देश में होने वाले ज्यादातर कामों के लिए कमलनाथ की कंपनी को मिले। कहा जाता है कि दिसंबर 1975 से जुलाई 1976 के बीच इनकी कंपनी को 4,73,00,000 रुपए के ठेके दिए गए। कंपनी ने ठेके तो लिए लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन काम का भुगतान जरूर हुआ। बाद में ईएमसी कंपनी के खिलाफ जांच हुई और जांच के लिए एक आयोग बना दिया गया। इस आयोग की अपनी बैठक जनवरी 1978 में हुई थी। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बाद के सालों में आयोग का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम कि आयोग की रिपोर्ट आई या आयोग वहीं से मटकर रह गया। दूसरी ओर आपातकाल के फौरन बाद कमलनाथ के लिए परेशानी वाले दिन शुरू हो गए थे, पर उन्होंने परिस्थितियों का सही लाभ उठाया। जनता पार्टी सत्ता में थी, दूसरी ओर वह अपनी कंपनी की जगह विरोधियों से उलझने पर ज्यादा ध्यान देने लगी। कमलनाथ की डायरी का एक हिस्सा वरुण सेन गुप्त की किताब लास्ट डेज ऑफ मोरारजी राज में छपा है। इसके मुताबिक कमलनाथ ने कांग्रेस और चौधरी चरण सिंह के साथ तालमेल बिठाने में उनकी खासी भूमिका निभाई। इस किताब के मुताबिक ये उस वक्त की बात है जब कमलनाथ सुरेश राम, भजन लाल, बीजू पटनायक, राज नारायण चौधरी, चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच एक सेतु का काम कर रहे थे, या कहें कि फ्लोर मैनेजर के रोल में बैठे हुए थे। ये तो सभी जानते हैं कि राजनीति में सक्रियता के दौरान संजय गांधी काफी तेज तर्रार और कठोर फैसलों के लिए चर्चा में रहते थे, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि उस वक्त उनकी परछाई बनकर चलने वाले कमलनाथ ही थे। इमरजेंसी के बाद और 1980 में संजय गांधी के निधन के बीच में कमलनाथ अपने काम करने के तरीके से गांधी परिवार का हिस्सा बन चुके थे। खुद कमलनाथ कहते हैं कि वो गांधी परिवार के तीसरे बेटे। राजीव गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थे और कांग्रेस की का जन्मा जब
इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने लिया हुआ था, लिहाजा दोनों के मन में एक बात बैठ चुकी थी कि कमलनाथ को न तो राजनीति से मतलब है, न धन दौलत से, न ही उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ऐसे में तय था कि कमलनाथ को करीब रखने में कोई नुकसान नहीं। अब बात करेंगे हम कमलनाथ के छिंदवाड़ा प्रेम की, आखिर उनको इतना छिंदवाड़ा से प्रेम क्यों है। इस बात का जवाब कमलनाथ के इस बयान में छिपा है जिसमें वो कहते हैं कि वे इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के समान है। इमरजेंसी के ठीक बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत में इमरजेंसी लगी रही। इसी दौरान 23 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक से ऐलान कर दिया कि देश में चुनाव होंगे। 16 से 19 मार्च तक चुनाव हुए, 20 मार्च से काउंटिंग शुरू हो गई और 22 मार्च तक रिजल्ट आ गए। 1977 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत इंदिरा गांधी के खिलाफ था, लिहाजा सारे नतीजे कांग्रेस के खिलाफ आए। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। कांग्रेस गठबंधन को मात्र 153 सीटें मिली, जबकि एकजुट हो चुके विपक्ष को 295 सीटें हासिल हुई। आलम यह था कि 1971 के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी नेता राजनारायण को धूल चटाने वाली इंदिरा गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से हार गई। लेकिन फिर भी इस निराशा के दौर में समूचे उत्तर भारत और मध्य भारत में कांग्रेस कहीं कामयाब रही थी, क्योंकि दो सीटें थी जिन पर उसने जीत हासिल की थी। एक सीट नागौर से नाथुराम मिर्धा की थी और दूसरी छिंदवाड़ा से गार्गी शंकर मिश्रा। कांग्रेस की करारी हार, पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश, संजय गांधी की असमय मौत और इंदिरा गांधी की बढ़ती उम्र, ये तमाम बातें थी जिनकी वजह से कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही थी। इस दौर में पार्टी को मजबूती दी बल्कि विश्वास होती जा रही पार्टी के भीतर अगर किसी ने उम्मीद जगाई तो वो कमलनाथ थे। कमलनाथ पहले ही ये बात गांधी परिवार को स्पष्ट कर चुके थे कि उन्हें किसी चीज की लालसा नहीं, लिहाजा इंदिरा गांधी ने भी कमलनाथ की मेहनत को इनाम देते हुए उन्हें अगले चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से राजनीति शुरू करने का इशारा किया और उन्हें मैदान में उतार दिया। इसके बाद 1980 के चुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा पहली बार पहुंचे। तब से भले ही केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो, सिर्फ एक बार को छोड़कर हमेशा छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कमलनाथ ही करते आ रहे हैं और यही वजह है कि इस बार की लोकसभा में कमलनाथ सबसे सीनियर सांसद हैं, जो रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं सबसे ज्यादा बार लोकसभा के भीतर आने का। कहा तो यहाँ तक जाता है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ सरकार और पार्टी से कहीं ऊपर है। इस बेहद पिछड़े इलाके में बीते सालों में जितना भी विकास हुआ है उसका क्रेडिट भले ही सरकार ले, लेकिन कमलनाथ के लोग उस पूरे विकास का क्रेडिट कमलनाथ को देते हैं। कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जिस किसी भी मंत्रालय में रहे हों, उसकी कोई ना कोई सौगात, कोई ना कोई घोषणा छिंदवाड़ा के करीब तक जरूर पहुंची है। यह कभी देश के सबसे पिछड़े हिस्सों में शुमार होता था, मगर अब इससे होकर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और वहां से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा है। कहा जाता है यदि कमलनाथ चाहते तो पार्टी के केंद्र और राज्य में शीर्ष नेतृत्व को संभालने का जिम्मा बहुत पहले मिल जाता, लेकिन शायद किसी की दी हुई सौगात है जो कमलनाथ आज भी उसे सहेज कर रखे हुए हैं। कमलनाथ के क्षेत्र में दोनों तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, एक वो जिन्हें कमलनाथ पसंद नहीं लेकिन उन आवाजों का जोर कहीं ज्यादा है जो कमलनाथ के जयकारे लगाते हैं। जो कमलनाथ कभी महत्वाकांक्षा नहीं रखते थे आज मध्य प्रदेश में चेहरा बनने की लड़ाई में शामिल है। चेहरा बनना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के पोस्टर बॉय होना चाहते हैं कांग्रेस की ओर से। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो खुद पोस्टर बॉय के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दोनों के बीच में रस्साकसी इतनी है कि कौन दावा ठोकेगा, कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा, इस बात की लड़ाई जारी है। कहीं ना कहीं सत्ता और सियासत का रंग अपना बदलता है, उस बदले रंग में कमलनाथ भी बदले हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का रंग एक बार कमलनाथ का रंग हो, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ उस रंग को रंगने में लगे हुए। किस्मत में क्या होगा, पार्टी क्या मानेगी, क्या वाकई में सोनिया गांधी के करीबी रिश्ते उनको मध्य प्रदेश का चेहरा बनाने में मददगार साबित होंगे, ये तो भले ही वक्त बताएगा। सत्ता, सियासत और मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ क्या वाकई उस ताकत के साथ स्वीकार किए जाएंगे जिस ताकत के साथ उन्हें कांग्रेस के भीतर धरना जाता है? क्या मध्य प्रदेश में 15 साल बाद वो कांग्रेस की वापसी कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे, या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंदास कमलनाथ के साथ भी जारी रहेगा? नमस्कार, देखते रहिए एक किस्सा। हम अगली बार एक नए किस्से के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।